का उन्वान है जोकर। ये सांसों के चलने को क्यों जिंदगी की अलामत कहा? ये सांसों के चलने को क्यों जिंदगी की अलामत कहा है? ये सांसें तो मुफलिस की भी चल रही हैं, मगर फिर भी जिंदा नहीं है। गरीबी के शोले निगलना और इस सांस की खस्ता रस्सी पे चलना अगर मेरी कोई करामत नहीं है, तो मैं साल हा साल से एक कर्तव्य किए जा रहा हूं। ये सब एक सर्कस है और कुछ नहीं है। ये सब एक सर्कस है और कुछ नहीं है कि जिसमें फकत मैं गरीबी के शोले निगलता हुआ सांस की खस्ता रस्सी पे चलता हुआ एक तमाशा बना, जिसे देखकर जिंदगी सीटियां अब बजाने लगी है। अजल से ये दस्तूर कायम हुआ है कि मुफलिस की औलाद भी मुफलसी काटती है। चलो अब ये दस्तूर ही तोड़ डाले। वो यूं भिन भिन आया तो फिर उसने खंजर से अपने गरीबी के अकलौते वारस की सांसों की रस्सी को ही काट डाला। वो खुश था कि अब उसका लखते जिगर मुफलसी की अजियत से आजाद यूं हो गया है कि जैसे किसी कैद से कोई पंछी तो फाके के धागों में उलझे बदन की अचानक से आंखों के पर्दे हटे और वो आलमी ख्वाब से जाग उठा। तो उसकी निगाहों ने अपने गरीबी के अकलौते वारिस को देखा तो उसका वो सुकड़ा हुआ पेट और फूलते नथने यूं कह रहे थे कि उसकी तरह उसकी गुर्बत का वारिस गरीबी के शोले निगलता हुआ सांस की खस्ता रस्सी पे चलने लगा है, वो भी एक सर्कस का जोकर बना है जिसे देखकर जिंदगी सीटियां फिर बजाने लगी।